नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के द्वारा मरीज के परिजनों को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पाटन क्षेत्र से एक मरीज को इलाज के लिए लेकर मेडिकल पहुंचे चार युवकों के साथ जूनियर डॉक्टर्स और उनके सहयोगियों ने मारपीट की। इस मामले की शिकायत पीड़ितों ने गढ़ा थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में पाटन से एक घायल मरीज को लेकर इलाज कराने पहुंचे चार युवकों के साथ जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा बंधक बनाकर मारपीट किए जाने का आरोप लगा है। मारपीट की घटना में युवकों को चोटें पहुंची हैं। घायल युवकों ने गढ़ा थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई है। पाटन निवासी अनुज राज सिंघई ने बताया कि उसने अपने पिता सुनील सिंघई को घायल हालत में इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया था। उनकी एक्सरे रिपोर्ट चेक कराने जब वह ड्यूटी डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उससे अभद्रता की और जब उसके साथियों और उसने डॉक्टरों का विरोध किया तो जूनियर डॉक्टरों और स्टाफ ने उसे और उसके साथियों को बंधक बनाकर पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसे और उसके चार साथियों को चोटें पहुंची हैं। मैं अपने पिताजी का इलाज कराने लेके आया था मेडिकल में, जिनका एक्सीडेंट हुआ था। उनको इलाज के दौरान मैंने अपने दोस्तों को बुलाया था कि सहायता के लिए, क्योंकि मैं अकेला था। जब मैं और मेरा दोस्त इलाज के दौरान एक्सरे रिपोर्ट डॉक्टर साहब को दिखाने गए थे, डॉक्टर इस रिपोर्ट देखने से इनकार करके जूता दिखा के बोलता कि तू बाहर निकल, अभी नहीं देखूंगा। उसके बाद हाथापाई बहसबाजी गाली गलौज करने लगा। हम लोग बाहर निकलने लगे तो उन्होंने बोला कि गेट बंद करो और सबको अंदर करो। गार्ड ने और डॉक्टरों ने यूनिट बना के सबने बेल्ट, हाथ पार, जूते, डंडे, जो हाथों में आया, रॉड, प्लेट, सबसे मारा। लोग ने एक्सरे की रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाई थी तो डॉक्टर से हम लोग ने बोला कि रिपोर्ट्स वगैरह देख लीजिए, तो उन्होंने जूता दिखाकर हम लोग को बाहर भगा दिया। जूता दिखाकर गाली गलौज कर सभी लोग मिलके दम दिखाने लगे। हम लोग बाहर जाने लगे तो उन्होंने हम लोग को पकड़कर हम लोग सभी को बहुत ज़्यादा मारा, स्टील की प्लेट, रॉड से और सभी चीज़ों से। वार्ड बॉय वगैरह और पूरे डॉक्टर्स वगैरह सभी लोग दारू पिए हुए थे और सभी ने इतना बेदरुखी से हमारे चार पांच दोस्तों को इतना ज़्यादा मारा, क्या बताएं। हम लोग अपने पेशेंट को निकालने के लिए वहाँ से कि भाई वो जल्दी चले आए, कोई दिक्कत ना हो। हम लोग रिपोर्ट दिखा रहे थे तो जो जूनियर्स डॉक्टर हैं उन्होंने सबने एक यूनिटी बनाकर सब पूरे सबके साथ दारू पिए हुए थे और स्टील की प्लेट वगैरह यूज़ की, सभी को यूज़ किया उन्होंने मारने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कोई आतंकवादी इस टाइप से कोई हरकतें कर रहे थे। वो इस मामले को लेकर गढ़ा पुलिस का कहना है कि पीड़ितों की शिकायत को जांच में ले लिया गया है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बीती रात कैजुअल्टी में पाटन क्षेत्र के रहने वाले एक रहवासी को चोट लगी, गंभीर हालत में वो यहाँ पे आए हुए, जिसको लेके परिजनों और स्थानीय डॉक्टर जो थे उनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ, जिस पर आपस में इनके बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। परिजन द्वारा यहाँ पे एक लिखित आवेदन दिया गया कि उनके साथ मेडिकल में अभद्र व्यवहार एवं उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें मामला पंजीबद्ध कर इसको विवेचना में लिया गया है। जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब वो परिजन के इलाजरत में थे। ऐसा कोई वीडियो उनके द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाया गया है, ना ही ऐसे कोई नाम चिन्हांकित करके उनके द्वारा दिए गए। जैसे भी उनके द्वारा जो सूचना दी जाएगी उसकी तस्दीक करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विवादों में रहने वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स पर एक बार फिर मारपीट के आरोप लगे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस कितनी जल्दी जांच पूरी कर दोषियों पर कार्यवाही कर पाएगी।